हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डेंटिशन इन मैमल्स। सो ये एसी जूलॉजी की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत कॉमन सी चीज़ है कि टीथ और डेंटिशन क्या होता है। सो टीथ जो सब जानते हैं, जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है, हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है वाइट कलर के, एंड ये कनेक्टेड होते हैं जो जॉ बोन है उससे, इनवर्टिब्रेट्स। ओके, सो अरेंजमेंट जो है इन टीथ का उसको हम डेंटिशन कहते हैं। सो टीथ जो है वो पाए जाते हैं फिश और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में भी, एंड ऑल्सो नोन टू हैव बीन प्रेजेंट इन एंसेस्ट्रल बर्ड्स भी, लेकिन ये हाईली स्पेशलाइज होते हैं इन मैमल्स। ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं पाए जाते हैं, बट जो स्पेशलाइजेशन है इनका वो होता है इन मैमल्स। सो फंक्शन क्या है टीथ के, ये भी सबको जो है पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरीडे लाइफ ऑफ एन एनिमल। सबसे पहला है कि ये जो फूड है या फिर इनका प्रे जो है उसको ग्रास्प या होल्ड करके रखने में जो है मदद करते हैं बकल कैविटी में। उसके अलावा अब फूड ले लिया है तो उसको पकड़ लिया तो उसको ग्राइंड भी करना होगा, तो ग्राइंडिंग मील की तरह एक्ट करते हैं ये फॉर च्यूइंग फूड। एंड उसके बाद जो है ये इनका एक और फंक्शन होता है कि ये दे एक्ट एज वेपन फॉर ऑफेंस इन डिफेंस बाय वर्किंग एज टीयरिंग ऑर्गन्स। तो ऑफेंस डिफेंस के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है जब एनिमल फाइट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली सो दे यूज़ देयर टीथ अलॉन्ग द क्लॉज और जो भी है, और उनके अलावा नेल्स वगैरह के अलावा हॉर्न्स के अलावा टीथ भी जो है एक वेपन की तरह यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है टीथ की। सो टीथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स के, तो इनको जो है यूज़ किया जाता है इन देयर क्लासिफिकेशन। सो ये लार्जली जो है बेस्ड है ऑन डेंटिशन जो क्लासिफिकेशन है। सो जो स्टडी है डेंटिशन की वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर टेक्सोनॉमिक वर्क ऑन मैमल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट गिवन आइडिया ऑफ अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द मैमल, एंड डेंटिशन जो है दैट प्रोवाइड क्लू टू द डाइट ऑफ द मैमल। उसके अलावा इसे हमें पता चलता है कि उसकी डाइट क्या होगी, कि वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है या फिर ओमनीवोरस है, जो भी है उसका खाना जो है वो किस तरह का है उसका। उसके अलावा जो डेंटिशन की स्टडी है दैट हेल्प्ड इन डिसाइडिंग द पेडिग्री और एंसेस्ट्री ऑफ द सर्टेन मैमल्स। सो ये जो है सिग्निफिकेंस है टीथ की। ऐसा नहीं है कि सारे मैमल्स में टूथ होते हैं, कुछ जो है टूथलेस मैमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये स्पाइनी एंटीटर है, प्लाटीपस है और ये वेलबोन वेल्स हैं। सो सारे मैमल्स में जो है टीथ नहीं होता है। स्पाइनी एंटीटर जो है उसमें टीथ होते ही नहीं है किसी भी स्टेज पे, यानी ना तो उसमें जो है एडल्ट स्टेज में टीथ पाए जाते हैं, ना उसी यंग स्टेज में या फिर जब वो जो पैदा होता है तब भी उसमें जो है टीथ नहीं होते। ओके, सो एक सेकेंडरी टूथलेस कंडीशन जो होती है कुछ मैमल्स में, जिसमें कि प्लैटीपस आता है। सो प्लैटीपस में पहले इनिशियली जो है एम्ब्रियोनिक टीथ जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट में बाय हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स फॉर क्रशिंग मोलस्क। मोलस्क को क्रश करने के लिए जो है वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टीथ रिप्लेस हो जाते हैं। सो उसके अलावा जो ट्रू ग्रेट एंटीटर है उसमें भी टीथ नहीं होते, और जो व्हेल बोन है इसमें ये देखो ये जो है पाया जाता है इसमें, इसे हम कहते हैं जो इसके फीटल टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं आफ्टर बर्थ बाय बेलीन। ये जो है इसे रिप्लेस हो जाते हैं ताकि ये जो है क्या कर सके, जो प्लैंक्टोनिक फूड है उसको स्ट्रेन कर सके, क्योंकि ये फिल्टर फीडर होते हैं तो उसको स्ट्रेन करने में जो है ये मदद करते हैं। अब डिफ्रेंसीशन या फिर शेप ऑफ टीथ जो है वो किस तरह का होता है, तो सबसे पहला जो है मॉर्फोलॉजिकली टीथ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर किए जा सकते हैं दो में, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। तो होमोडोंट टीथ जो है वो होते हैं वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स, उसमें जिनमें सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं इन आर सिमिलर इन शेप एंड साइज़, तो उनके जो शेप और साइज़ है वो सिमिलर रहेगी, उनको हम क्या कहेंगे होमोडोंट या फिर आइसोडोंट्स कहते हैं उनको हम। सो कुछ इसके अलावा कुछ मैमल्स में भी जैसे कि टूथ वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, पॉरपॉइज़ हैं एंड आर्म डीलोज हैं, इनके टीथ जो है वो सेकेंडरली यूनिफॉर्म हो जाते हैं या फिर होमोडोंट हो जाते हैं, जैसे कि ये जो है डॉल्फिन की टीथ हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो है
होमोडोंट टीथ है इनमें। सो ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे जो है वेल्स डॉल्फिन्स में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेट्रोडॉन्ट टीथ। तो मैमलियन टीथ जो है दे आर कैरेक्टरिस्टिकली हेट्रोडॉन्ट एंड दैट इज दिस सिमिलर इन शेप एंड साइज, जैसे हमारे दांत हैं तो वो काफ़ी डिसिमिलर है इन शेप एंड साइज, और अलग अलग तरह के होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन जो है। तो इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है इन सेवरल टाइप्स, जैसे कि इनसीजर्स हैं, केनाइंस हैं, प्री मोलर्स एंड मोलर्स में। सो ये डिफ्रेंसिएशन जो है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ फूड ईटन एंड द मैनर ऑफ सिक्योरिंग इट। ओके सो ये हो गया टाइप ऑफ जो शेप ऑफ टीथ है। अब अटैचमेंट जो है टीथ की वो किस तरह से है, तो पहला जो है वो है एक्रोडॉन्ट। सो ये मैनर ऑफ अटैचमेंट जो है टीथ का एट द बेसिस ऑफ द जॉ बोन जो है ये वैरी करता है थ्रू आउट द वर्टिब्रेट्स। सो पहला है एक्रोडॉन्ट। सो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो है मोस्ट वर्टिब्रेट्स में होता है जिसमें टीथ जो है वो अटैच होते हैं टू द फ्री सरफेस और टू द समिट ऑफ द जॉ जॉ बोन में, जैसे कि शार्क और फ्रॉग्स में जो है ये होता है ऐसा। तो ये जो है इजीली ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, लेकिन ये रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसलिए जो पुरानी जो शार्क्स हैं, जो मतलब बहुत पहले जो पाई जाती थी शार्क्स, वो तो उनके दांत जो है अभी भी हमको मिल जाते हैं, जैसे मैगलोडियन वगैरह है, तो क्योंकि वो इनेमल से बने हुए हैं एंड दे डोंट वो डीजनरेट नहीं होते, तो वो हमें मिल जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द ओशन। सो ये जो है इजीली रिप्लेस हो जाते हैं और ये टीथ जो है इनके शेड होते रहते हैं। सो ये है एक्रोडॉन्ट। देन है प्लूरोडॉन्ट। सो ये कंडीशन जो है उसमें क्या है, ये कॉमन है यूरोडेल्स एंड लिजर्ड्स में। टीथ आर अटैच टू द इनर साइड ऑफ द जो बोन, जो जबड़े की जो हड्डी है जो उसमें ये अंदर की तरफ जो है लगे होते हैं बाय द बेस एज वन ऑफ द साइड्स। सो इस तरह से जो है ये अरेंजमेंट होता है इनका। सो एक्रोडॉन्ट एंड प्लूरोडॉन्ट जो है ये आर रूटलेस टीथ हैं ये। तो इनकी नर्व जो है और ब्लड वेसल जो है वो दे एंटर द पल्प कैविटी अलोंग द लेटरल साइड। इसके अलावा तीसरा जो टाइप है वो है थीकोडॉन्ट वाला। तो ये जो है सच टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स एंड यहाँ पे टीथ जो है वो वेल डेवलप्ड रूट्स होती है इनमें और ये इम्प्लांटेड रहते हैं डीपली। इंडिविजुअल इनका सॉकेट रहता है, पिट या सॉकेट्स में ये रहते हैं जिसको हम एल्वियोलाई या फिर थीका कहते हैं, जो जो बोन है जैसे हमारे होते हैं, तो रूट कैनाल जो किया जाता है। सो इसमें ये इनका इंडिविजुअल सॉकेट है, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ ही एक उसमें लग गए हो, तो एक को उखाड़ेंगे तो एक ही उखड़ेगा, सारे ही नहीं उखड़ेंगे। सो थीकोडॉन्ट टीथ ऑल्सो अकर इन क्रोकेडेलियंस, फॉसिल टूथ बर्ड्स एंड सम फिशेस, इनमें भी ये पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब सक्सेशन ऑफ टीथ कैसा है, जो इनकी परमानेंस या फिर रिप्लेसमेंट के आधार पर जो है हम इनको तीन भागों में, जो तीन कैटेगरी है, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो है पॉलीफायरोडॉन्ट, दूसरा है डायफायरोडॉन्ट एंड तीसरा जो है मोनोफायरोडॉन्ट। सो पॉलीफायरोडॉन्ट का मतलब होता है ये लोअर वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। टीथ जो है वो रिप्लेस होते हैं इन इनडेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो उनकी लाइफ में जो है ये मतलब काउंटलेस नंबर जो है टाइम्स ये रिप्लेस हो जाएंगे। सो इसलिए इनको पॉलीफायरोडॉन्ट्स कहते हैं और ये जो है मैमल्स में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो है डाईफायरोडॉन्ट। तो ये जो है मोस्ट मैमल में टीथ जो है डेवलप होते हैं ड्यूरिंग टू सक्सेसिव सेट्स, इस कंडीशन को हम कहते हैं डाईफायरोडॉन्ट। टीथ जो है फर्स्ट जो सेट है उनको हम डेसीडुअस टीथ कहते हैं या फिर लैक्टल या फिर मिल्क टीथ कहते हैं, जैसे हम में होते हैं। तो ये यूजुअली जो है आफ्टर बर्थ आते हैं, लेकिन जो गिनिया पिग या फिर बैट्स हैं उनमें ये जो है पहले ही आ जाते हैं और उनकी जन्म से पहले ही जो है ये टूट भी जाते हैं। सो मिल्क डेंटाइटेशन में जो है मोलर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। लेटर मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड इन एडल्ट बाय परमानेंट टीथ विच लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये वाले दांत दांत अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं आते हैं। सो एंट ईटर्स में जो है मिल्क टीथ जो है वो आउट नंबर कर देते हैं द परमानेंट टीथ।
नेक्स्ट जो है वो है मोनोफायोडॉन्ट्स। सो मोनोफायोडॉन्ट्स जो है कुछ एनिमल्स जैसे कि प्लाटीपस है, उसके अलावा मार्सुपियल्स हैं, मोल्स हैं, सायरेनियंस हैं, टूथलेस वेल्स एक्सेट्रा। वन सेट ऑफ टीथ डेवलप्स नोन एज मोनोफायोडॉन्ट कंडीशन, यानी इनकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार इनके दांत आते हैं और फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे कि ये व्हेल्स हैं और प्लैटीपस में, इनमें प्लेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमने भी पढ़ा था ऊपर। अब नेक्स्ट जो है वो है काइंड ऑफ टीथ, एंड उसके अलावा डेंटल फॉर्मूला बच गया है हमारा, और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। सो ये तीनों जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।